आज जब दूसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे थे, इसी दौरान एक मजदूर ने खेसारी लाल यादव का गाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर नीतीश कुमार भी साथ देने लगे। दरअसल एक मजदूर कह रहा है कि वो नमक रोटी खाकर कोरोना को भगाएंगे, नमक रोटी मिलेगी तब भी बिहार में ही रहेंगे। और सूबे के मुखिया ये सब सुनकर मुस्कुराते हैं और सुर में सुर मिलाकर कहते हैं ठीक है। सीएम फिर कहते हैं अब बिहार से भागना नहीं है, यही रहना है। सफर कैसे आप सफर आपने कैसे बिताया बताएंगे जरा? सर कंपनी में काम कर रहा, आपको बता दें कि बिहार में लाखों प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और अभी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा और दुर्व्यवस्था की खबरें भी खूब आने लगी। विपक्ष द्वारा भी इन मुद्दे को उठाया जाने लगा। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने खुद क्वारंटीन सेंटरों के निरीक्षण का जिम्मा ले लिया। इसके लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक को अपनाया। नीतीश कुमार 20 सेंटरों की व्यवस्था को तो देख ही रहे हैं, साथ ही वहां रह रहे मजदूरों से भी पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। जहां कमियां नजर आ रही है वहां अधिकारियों को उचित निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद उनके पास आए, वो हम सारे दुख बतलाए, हमारे बेटा मिट कर गया, हम इस जगह से नहीं खुलेंगे, इसी जगह पड़ जाएंगे, पहले दूर नहीं सकते। आपका तो हमने तस्वीर अपने आपका चेहरा हम बनाए हैं, आपका फोटो हम अपने प्रोफाइल में ट्विटर में फेसबुक पे लगाए कि यही चेहरा है गरीब का, सरकार देखो इनका मदद करो। हम लोग लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों के अधिकार के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको 1 लाख रुपए का पार्टी जो है सहयोग की है, आपको मदद पहुंचा अनिरुद्ध जी, मोहित जी, जी सर मदद दीजिए, अभी मिलेगा, अभी दीजिए सर। आपके दूत बनते जे माननीय अनिरुद्ध का तो आए आए को 1 लाख का देंगे, दीजिए दिलवा दीजिए सामने पार्टी कोड से दे दीजिए, सामने हम हैं। ये आपको पार्टी जो है कितना रुपया दिया है अनिरुद्ध जी, कितना रुपया? 1 लाख रुपया। और आपको हम वादा करते हैं कि आपको अगर नौकरी बेगूसराय में चाहिए तो हम प्राइवेट में करा देंगे, अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन आपको रोजगार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट में आपको हम रोजगार दिलवा देंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप बेगूसराय में ही आपको रोजगार मिल जाए। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आपको पटना में भी चाहिए काम तो पटना में भी प्राइवेट में हम दिला देंगे, नहीं तो बेगूसराय में आप काम करना चाहते तो बेगूसराय में हम आपको काम दिला देंगे। आप पार्टी के मोहित यादव जी हैं, इनके संपर्क में रहिएगा, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम आपको पूरा काम दिलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आदरणीय लालू जी के निर्देश पे सारा काम हो रहा है। लालू जी कहे कि गरीब का सेवा करो, गरीब भूखा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सब लोग उनके दिए हुए निर्देश पे आपके सेवा में लगे हैं। और आप जैसे लाखों और भाई हैं मजदूर जो फंसे हुए हैं, हम लोग उनका सहयोग करेंगे। तो हम आपको प्रणाम करते हैं, सलूट करते हैं कि आप जो है श्रमवीर हैं, आप जो है ईमानदारी का, मेहनत का, खून पसीने का कमाते हैं, और इस दुख के घड़ी में आपके बेटे का जो देहांत हो गया, इससे हम बहुत मर्माहत हैं, बहुत दुखी हैं, तो ये पीड़ा है हम लोगों को। लेकिन आप जैसे कई गरीब हैं, हम लोगों को उनका साथ और देना है, तो इस लड़ाई में आप लोग सहयोग कीजिए, ताकि आपके आवाज को बुलंदी के साथ हम लोग जो है आगे पहुंचाएं, जो सोई हुई जो सरकार है उसको उठाने का काम करें।